अरे सौलियां कब टूटेंगी, पत्थरियां कब निकलेंगी, बीमारियां कब छाएंगी, जब आप उस अधिकार से उस बीमारियों को ठाटोगे यीशु मसीह के नाम से। जो हे पिता कहकर पुकारता है, कैसे लिखा? पांच में कि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर शडाले और लेपालिक होने का पात्र। लेपालिक मतलब वही गोदले बच्चे। हम सब किसके बच्चे हैं? क्योंकि हमें उसने गोद लिया, अपना लहू देकर हमें उस पाप से छुड़ाया है। तो आप किसके संतान हो? बोलो किसके संतान हो, किसके बेटे बेटियां? अब हमें रोना चाहिए कि परमेश्वर की बात को समझ कर उस रीति से, अधिकार से, उस शांत से परमेश्वर को कहना चाहिए कि पिता ये काम है, आपको पता नहीं मैं बीमार हूं, ये काम, ये ऐसा है, ऐसा है। आप कहो, क्योंकि आप किसके संतान हो? बोलो क्या है, आप किसके संतान हो? आप कहो पिता से, क्या पिता सुनता नहीं है? कितनों को शांस है कि वो सुनेगा? योहन्ना कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का हक दिया, जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया। अगर आपने विश्वास किया है, बोलो क्या है, तो फिर आप आसे कैसे प्रार्थना करोगे? और जो तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता हमारे हृदय में भेजा, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। बोलो क्या है, वारिस है, वारिस है। हम इस पूरी पृथ्वी की उसके साथ संगी वारिस है। इसलिए अफिसियों 2 में लिखा है ना, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, हाँ, और मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कभी नौकर को मालिक अपनी जगह साथ बैठा सकता है, पर लिखा किसने हमें स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है? किसने बैठाया है? क्योंकि आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता। बोलो क्या है, आपको अपनी वैल्यू का नहीं पता, अपनी वैल्यू का कि हम मसीह में कौन है, अपने बारे नहीं पता। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, वो शेर की जो छोटा बच्चा था वो खो गया और वो एक भेड़ और बकरियों के झुंड में आ गया, और उसके मालिक ने देखा ये शेर का बच्चा है, शेर आएगा और वो मेरी भेड़ों और बकरियों को खा जाएगा। उसने उठाया और उसको जंगल में लेकर छोड़ने के लिए उसने फैसला किया। हाँ, तो रस्ते में जा रहा उसने कहा, शेर ने अगर देख लिया क्या कर लिया, तो वो तो सोचेगा कि मेरा बच्चा चुरा कर भाग रहा है, वो मुझे खा जाएगा। वो सोच रहा है अब मैं क्या करूं। वो सोचता सोचता शाम होगी, वो वापस आ गया फिर, हाँ, और फिर वो शाम को अपनी भेड़ों बकरियों के साथ ही उसको बच्चे को ले गए, चले गया अपने घर। अब वो शेर का बच्चा उनके साथ खेल रहा है, रोज आ रहा है उनके साथ, हाँ, भेड़ों और बकरियों, क्योंकि वो छोटा बच्चा वो जानता नहीं, बोलो कहीं, रोज आ रहा है उनके साथ ही, वो जो कुछ वो करती है वो भी कर रहा है। और एक दिन किसी दूसरे शेर ने, जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो वो भेड़ों बकरियों से क्या है, बहुत ऊंचा होगा ना, क्या हो, तो दूर से नजर आ रहा है। दूसरे शेर ने देखा ये तो शेर है और ये भेड़ों बकरियों के साथ क्या कर रहा है, हम तो इसे खाते हैं और ये इनके साथ क्या कर रहा है। उसने उसे पूछा तू इनके साथ क्या कर रहा है? वो कहता मैं बचपन से इनके साथ हूं, क्योंकि कई चीजों का हमें पता नहीं, क्योंकि हम शुरू में तो है नहीं, हाँ, तो कई लोग अपनी बचपन के आते वही उन्हीं चीजों में रहते हैं। तो उसने कहा मैं तो बचपन से ऐसे हूं, क्या हूं मैं तो बचपन से ऐसे हूं। तो उसने उसे कहा नहीं तू शेर है, उसने कहा नहीं मैं इन्हीं के साथ हूं। उसे अपने आप का भी नहीं पता मैं शेर हूं, वो समझता मैं भेड़ और बकरी हूं, क्योंकि आपको नहीं पता आप किसकी संतान हो, किसके बच्चे हो। जैसे आपको नहीं पता वैसे उस शेर को नहीं पता था, वो कह रहा है दूसरे को, कह रहा नहीं नहीं मैं इन्हीं के साथ हूं, मैं बचपन से इनके साथ, मैं मेरा ये भोजन मैं यही खाता हूं, घास घूस ही खाता हूं मैं भी। वो कहता नहीं, वो कहता मेरे साथ चल। जब उसे वो नदी के किनारे लेकर गया, उसने कहा इसमें देख,
उसने जब अपने शरीर को देखा वो बहुत ऊंचा लंबा विशाल था। फिर उसने कहा तुम बोल मेरे जैसे बोल, जैसे शेर की गर्ज होती है ना। तो जब उसने ऐसे बोला वो कहता नहीं मैंने नहीं कभी ऐसे बोला ही नहीं, नहीं कहता बोल, क्योंकि वो शेर है वो बोल सकता था। जब उसने उसे समझाया कि देख ऐसे कर, जब उसने उस रीति से, क्योंकि शेर है तो गरज तो आएगी, जैसे उसने सिखाया बोलने के लिए, जब उसने बोला तो वही बेड़े बकरी जिनके साथ वो रोज चरता था आता था, हाँ घास घूस खाने के लिए आता था, वो अब उसकी आवाज सुनकर वो सब भागे। शैतान कब भागेगा, प्रॉब्लमें कब चाहेंगी, रसौलियां कब टूटेंगी, पत्थरियां कब निकलेंगी, बीमारियां कब छाएंगी, जब आप उस अधिकार से उस बीमारियों को ठटोगे यीशु मसीह के नाम से। कब जाएगी शैतान, कब छाएगा, जब उस अधिकार से उन्हें कहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं मुझे कौन सा खुदा ने अधिकार दिया। हाँ अब हाथ रखो और बोलो मैं परमेश्वर की बेटी हूं, उसने मुझे लहू देकर छुड़ाया, उसने लहू देकर बचाया, तेरा मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं, मैं खरीदी गई हूं, पता नहीं है तो फिर क्या करें। बोलो शेर को पता नहीं था, बोलो अब ना उसे कोई बताता तो सारी उम्र वो बूढ़ा भी हो जाता तो वो घास ही खाता रहता। क्या खाता रहता, आज भी बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में, हाँ क्रिश्चियनिटी में लोगों को पता नहीं कि हमें कौन सा खुदा ने अधिकार दिया और हमारी जो मसीह में पोजीशन है वो क्या है। क्रंथियोस में लिखा अब तुम मसीह के स्थान पर उसके राज, उसके स्थान पर हो आप, पर पता नहीं है कि नहीं है, हाँ तुम उसके स्थान पर क्या हो, राजदूत हो मगर पता ही नहीं है। इसलिए लिखा परजा ज्ञान बिना नाश होती है। जिस दिन ये बात आपको समझ आ गई और आपने समझ कर उस रीति से चलना शुरू किया, परमेश्वर को बोलना शुरू किया, कहना शुरू किया, फिर देखना। इसलिए यूहन्ना कहता जो हे बालको मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, क्योंकि हमारा सहायक जो धर्मी यीशु मसीह पिता के पास है, हाँ जो जगत का क्या करेगा, न्याय करेगा, क्या करेगा। और जो कहता है मैं सत्य को जान गया हूं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, लिखा वो झूठा है। कई लोग अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, वो नहीं डरते डरते। और जिस दिन से आपने डर रखना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, जिस दिन से आपने डर रखना खुदा का शुरू कर दिया, उसकी हर आज्ञा को मानना शुरू कर दिया, देखना फिर, देखना फिर आपकी जिंदगी वो नहीं होगी। हाँ देखना फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी, करके देखो, उसकी बात को मानकर देखो, उसके वचन को पूरा कर देखो। क्या देखो, उसके वचन को पूरा करके देखो वो कैसे आपके लिए रास्ते खोलता है।